ये आप पहले थाके यहाँ से, आपको तो वहाँ जगह है पहले वहीं पे रख लो कोई बात ना। ना वहाँ पर गाय लोग आते हैं, ट्रीटमेंट वहाँ से सब जगह फैल जाएगा। ये इसको यहाँ नहीं है, बस शालमा से आगे ले जाना है इसको। एक बार यहाँ पे गाय है, यहाँ पे जो स्ट्रीट एनिमल में जो बीमारी फैल रही है। तो आज अभी अभी मुझे एक फोन आया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आया। तो लोगों को मैं कहता हूँ, जिसके भी घर में ऐसी गाय है जिसको कोई भी दाने शाने निकले, वो जल्द से जल्द हमें इतना दें। तो हमने अभी ये वेटरनरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई, वो भी पहुँच रहे हैं, तो इसके लिए हम अच्छे इकदाम निकाल रहे हैं। लोग हाइट भी कर रहे हैं। अभी मैंने सुना बुनस्तान के पास भी कोई गाय ऐसी है जिसने उसको वहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। तो लोगों को चाहिए हाइट न करें, इससे बीमारी फैलने का बहुत अंदेशा है। इससे मेरी पुरजोर अपील क्या है यहाँ के लोगों से, जो स्ट्रीट एनिमल जितने भी यहाँ पे हैं, जितने भी यहाँ पे हैं, उनको तो चाहिए पहले उनको अपने घरों में रखना। लेकिन हमने इकदाम पहले भी उठाए थे इनके लिए, लेकिन लोगों का जो होता है, लोगों की इंटेंशन कुछ और होती है। मेरी जिला इंतजामिया से पुरजोर अपील है, खासकर SSB किश्तवाड़, DC किश्तवाड़ से पुरजोर अपील है, जो लोग ये हाइट कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रीट एनिमल्स को सीधे सड़कों में डाल रहे हैं और शाम को दूध लेने के वक्त वो उनको अपने पास बुलाते हैं, अपने पास लाते हैं, और वही दूध अगर इस गाय का दूध किसी बच्चे में जाएगा, किसी कोई और पिएगा, तो ऐसी बात है किश्तवाड़ में बीमारी। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हर एक गाय को टैग लगा होता है, और जो भी टैग के बगैर गाय होती है उसको लोग आजकल तो दूसरा ट्रेंड निकला हुआ है, लोग अपनी गायों को टैग निकाल लेते हैं, खोल के निकाल लेते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे इंसानों के खिलाफ, मैं SSB किश्तवाड़ से पुरजोर अपील करता हूँ कि ऐसे इंसानों के खिलाफ कम अज कम FIR लॉन्च की जाए। और इस गाय को तो टैग लगा हुआ है, ये जल्द से जल्द हम वेरीफाई करेंगे इसकी गाय है, तो मैं उसमें पुलिस की मदद अभी लूंगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर एक बार पुरजोर अपील करता हूँ, स्ट्रीट जितने भी एनिमल्स हैं उनको कम से कम अपने घरों में रखें। तो लोगों को कम से कम ये गंदा जो दूध दिन भर वो गंद बला खाते हैं, लिफाफे खाते हैं, बाकी चीजें खाते हैं, तो कम से कम उन चीजों से परहेज करें। मेहरबानी हो।